मथुरा से खबर है, राजा मानसिंह हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होना है। राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 लोग दोषी ठहराए गए हैं। हत्याकांड में 35 साल बाद अब इंसाफ होगा। हत्याकांड में 3 लोगों को बरी किया गया। पुलिस की गोली से राजा मानसिंह की हत्या हुई थी। राजस्थान के भरतपुर की डीग मंडी में ये हत्या हुई थी। राजा मानसिंह के साथ हरि सिंह और सुमेर सिंह की भी हत्या हुई थी। 21 फरवरी 1985 को पुलिस की मुठभेड़ में हत्या हुई थी और भरतपुर रियासत के राजा थे मानसिंह। 35 साल बाद अब फैसला आना है। मथुरा के जिला जज साधना रानी जो है आज फैसला सुनाए। तो आज सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। राजा मानसिंह हत्याकांड में 11 लोग दोषी करार दिए गए हैं, आरोप तय कर दिए गए हैं और आज सजा का ऐलान। मातुल शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मातुल, क्या जानकारी मिल रही है? आज सजा का ऐलान होना है, 2 आरोप जो है वो तय कर दिए गए हैं, 35 साल बाद आखिरकार इंसाफ मिलने जा रहा है, क्या उम्मीद की जा रही है? अगर पिछली सुनवाई की हम बात करें जब आरोप तय किए गए हैं उसे देखते हुए। जी, मैं आपको बता दूं, आज 35 साल बाद एक परिवार को न्याय मिलने वाला हो, चाहे वो परिवार राज परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन कानून के तहत आज उनको न्याय मिलने वाला है। 35 साल बाद राजा मान सिंह की हत्या 18 पुलिसकर्मियों ने कर दी थी, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है और ये मुकदमा 14 लोगों पे चल रहा था। कल अदालत ने 11 लोगों को सजा आरोप सिद्ध कर दिए और 3 लोगों को बरी कर दिया। उस परिवार में बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज परिवार को न्याय मिल गया है और जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको सजा मिल जाएगी। जी, किस तरह की सजा की मांग की गई है? जी, उनको जो अदालत ने उनको 302, 148, 149 में दोषी माना गया है, जिसके तहत उनको सजा दी जाएगी और परिवार का साफ तौर पे कहना है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन कानून का भी अपना दायरा है और वो 302 में जो भी सजा निरुद्ध होगी उसको देंगे। जिसमें बजे मातुल कितने बजे उम्मीद की जा रही है कितने बजे आज सुनवाई होनी है और कितने बजे फैसला आएगा? जी, अभी फैसले का टाइम अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन कल जब उनको आरोपी बनाया गया उसके बाद आज फैसले पे बहस होगी, उसके बाद फिर फैसला आएगा। जी, नजर बनाए रखिए मातुल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।